पांच भाग जो सामने लूका के अंजील में से पढ़ूंगी आया, लूका के अंजील उसका 10 भाग उसकी एकता 12 आया। इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्र किए और जिस जिस शहर और जगह को कुछ जाने वाला था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़ी है, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो मैं तुमको गोया परों को भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, ना बटवा ले जाओ ना झोली ना जूतियाँ और ना राह में किसी को सलाम करो, और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर सलाम लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुँची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो उससे कहो कि खुदा की और वहाँ लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गढ़ को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव को लगी है तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुँची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। खुदा का पाक नाम पढ़ा और सुना जहाँ हम सब के पास से पढ़ते हैं।